शादी की रात। अब शादी की रात की तकरीब कैसी होती है, अब वो अपनी ड्रेसिंग करने के लिए गए तो वहां बहुत सारे बाल नजर आ रहे हैं। अब वे खौफजदा हो गए, ये बाल कहां से आ गए? बालों से तो डर गए, ये गुनाहों से नहीं डरे। जो आठ गिरते तमाशे किए तकरीब में वो तो नहीं समझ में आए, न सर पे बाल, न जिस्म पे कपड़े ठीक, न तो बट्टा, न पर्दा, उससे तो नहीं डरे, बालों से डर गए। बाल कहां से आ गया, किसी ने कुछ कर दिया क्या? अरे जिन गुनाहों से होना है उससे क्यों नहीं डरते? उसका रिएक्शन तो अल्लाह और अल्लाह के रसूल ने बताया है, गुनाहों पर तो उससे नहीं डरे, इससे डर जाएगी। ईमान अल्लाह नसीब फरमा दे और अपना अपना डर दे दे, सुभान अल्लाह, तो मखलूक से आदमी बेखौफ हो जाता, मखलूक से बेखौफ। जब उस रात का डर नहीं रहता तो फिर तो ये घर में कहूँ दो तीन मरतबा आ जाए तो उससे भी डर नहीं, खिड़की की पड़ते बार बार हिलने लगे तो उससे भी खौफ ज्यादा हो जाता। और कहीं गार्डन में कोई कागज मिल जाए कुछ लिखा हुआ तो बहुत ही डर डर। घर पे रहने वाले भी खूब फायदा उठाते हैं, कुछ ना कुछ फेंक ही जाते हैं। फिर उसके बाद आम लोगों के नंबर भी होते हैं, जब अल्लाह का डर छोड़ते हैं तो ऐसे ही होते हैं, ऐसे ही होते हैं। फरमाया गुनाहों की आग खुदाई आग है, जिसकी खासियत है नारुल्लाही मुकदर अल्लती तत्वली अल अफनी, गुनाहों की आग का असर दिल पे पड़ता है, दिल कमजोर हो जाता है। याद रखिएगा, गुनाहों की नफूसत से चेहरे पे रौनक नहीं रहती, अंदर की स्याही का असर बाहर पे असर होता है। तकवे का नूर दिल को रोशन कर देता है और उसकी चमक रफत और रौनक चेहरे पर भी जाहिर होता है। अंदर की स्याही चेहरे पर भी आ जाए, चेहरे पर रौनक नहीं रहती, चाहे वो कुछ भी लगा जाए रौनक नहीं है। और तकवे का नूर जिससे अंदर रोशन हो जाए उसकी खूबसूरती रौनक चेहरे पर भी आती, चेहरे भी पार रौनक हो जाए। अल्लाह ताला में नसीब फरमा दे, गुनाहों की आग खुदाई आग है जिसकी खासियत है नारुल्लाहि मुकदर अल्लती तत्वली अल अफ़ीदा, कि इसका असर जगह तो कल्ब है और तावे से कहा जाता है, गुनाहगार का दिल बेचैन हो, दावे से कहा जाता है कि गुनाहगार का दिल बेचैन हो। तजुर्बा नहीं, यकीन ही बात मान। अच्छा, किसी आंखें आवारा हो ना, किसी की आंखें आवारा हो, उसके दिल में कभी चैन नहीं आ सकता, दिल में कभी चैन नहीं आ सकता। इसको राहत और चैन नसीब नहीं होता, गुनाह से दिल ज़ईफ और कमजोर होता है। इसका तजुर्बा कैसे कमजोर है कि या नहीं, फरमा इसका तजुर्बा उस वक्त होता है जब इसकी जिंदगी में कोई हादसा पेश आता है, जब इसकी जिंदगी में कोई ताकवारी आती है, जब इसकी जिंदगी में कोई आजमाइश आता है, जब इसकी जिंदगी में कोई इम्तिहान आता है, तो मुत्तकी आदमी तो मुस्तकिल मिजाज रहता है और गुनहगार आदमी हवास पाकता हो जाता। गुनहगार आदमी हवास बाखता होता,
तो गुनाह से दिल कमजोर होता है, और इसका तजुर्बा कब होगा, क्या पता कब लगेगा, जब जिंदगी में आजमाइश आती है। मुत्तकी आदमी इस मौके पर भी मुस्तकिल मिजाज रहता है, नेकियों में जमा रहता है, और गुनहगार आदमी हवास बाकता होता है, परेशान ना शुक्री जी। इसका मतलब क्या है?